नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम दो प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, 10 मुर्गी 2 दिन में 20 किलो दाना खाती हैं, तो 15 मुर्गी 6 दिन में कितना दाना खाएंगी? एक बार और सुन लीजिए आप, 10 मुर्गी 2 दिन में 20 kg दाना खाती हैं, तो 15 मुर्गी 6 दिन में कितना दाना खाएंगी? पहला है। और दूसरा है, 4 आदमी 8 दिन में 1600 ईंट लगाते हैं, तो 8 आदमी 3 दिन में कितनी ईंट लगाएंगे? 4 आदमी 8 दिन में 1600 ईंट लगाते हैं, तो 8 आदमी 3 दिन में कितनी ईंट लगाएंगे? ये दो प्रश्न हैं। चलिए आइए करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था, 10 मुर्गी 2 दिन में 20 kg दाना खाती हैं, तो 15 मुर्गी 6 दिन में कितना दाना खाएंगी? तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल बराबर 10 मुर्गी 2 दिन 20 kg दाना। ठीक है, अच्छा। और दूसरे नंबर पे कितना है, 15 मुर्गी 6 दिन। ओके, यही है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला देखिए, MDH, एम मीन्स मतलब आदमी, दिन माने डी माने दिन, और एच माने घंटा। ये फार्मूला आप कभी मत भूलना। इस फार्मूला से आप कितने भी प्रश्न हल कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आदमी है तो आदमी में जान होती है, तो मुर्गी में जान होती है, हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 10 गुणा दिन कितने हैं, 2। ठीक है ना, अच्छा। और ये घंटा नहीं है, यहाँ पर 20 kg है, तो यहाँ पर हम नीचे 20 kg लिखते हैं। ठीक है ना, अच्छा। अब देखिए, पहले इतना हल करते हैं। तो देखिए, 10 × 20, ठीक है ना, और 2 10 से 20 बार, ये 20 काटा तो 2 बार कट गया, 10 × 20, और 2 × 2 तो 10 से 2 दिन में कट गया, और 2 × 1 = 2, यानी 1 kg दाना। ठीक है, 1 kg दाना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, 1 kg दाना खाएगी एक मुर्गी 1 दिन में, 1 kg एक दिन, एक मुर्गी 1 दिन में 1 kg दाना। ठीक है ना, अच्छा। अब पूछा जा रहा है कि 15 मुर्गी है हमारे पास, कितनी है, 15, अच्छा, गुणा 6, ठीक है ना, अच्छा, 15 × 6, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, 15 को 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 है। और एक का तो कोई मतलब नहीं, 1 किलो तो एक किलो का कोई मतलब नहीं रहता, 15 × 6 = 90, 90 × 1 = 90, 90 × 1 = 90, तो यहाँ पर 90 kg दाना खाएंगी, कितना खाएंगी, 90 kg दाना खाएंगी। पहला क्वेश्चन ये हो गया है आपका। ओके, अच्छा, अब चलते हैं दूसरी की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, 4 आदमी 8 दिन में 1600 ईंट लगाते हैं, तो 8 आदमी 3 दिन में कितनी लगाएंगे? तो वो हम वही वाला करते हैं, 4 आदमी 8 दिन, और ईंट कितनी है, ईंट कितनी है, 1600। ठीक है ना, अच्छा। अब आठ आदमी दिन कितने हैं, 3, और ईंट 3 दिन है, और ईंट का पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पर का लिख देते हैं। ठीक है ना, अच्छा। तो अब चलते हैं,
अब हमें पहले तो एक दिन का निकालना पड़ेगा, एक दिन में एक आदमी कितना है लगाता है। अच्छा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, वही वाला फार्मूला दे दीजिए यहाँ पर, एम बराबर आदमी, डी बराबर दिन और एच बराबर घंटा। ठीक है, ये तो यहाँ पर आदमी कितने हैं, 8। ओके, वो आदमी सॉरी यहाँ पर आदमी कितने हैं, 4, और दिन कितने हैं हमारे पास, 8, और कितनी ईंट लगाते हैं, 1600। ठीक है ना, 1600 ईंट लगाती हैं। अच्छा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट गया तो 800 बार। ठीक है ना, अच्छा अब 2 से ये काट देंगे हम, तो 2 चौक 4 से काट देंगे, तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये कट गया। अच्छा अब यहाँ पर 2 दूनी 4 गुणा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 200, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है ना, और ये 5 बार चला गया, और 1 जीरो यहाँ पर लगा दी, ये 20 की 200 है ना, तो इस वजह से, तो ये 1 जीरो यहाँ पर लगा दी, तो कितनी ईंट लगाएगा, 50 ईंट, एक आदमी एक दिन में 50 ईंट लगाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये निकल करके आ गया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कि पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 8 आदमी, यहाँ पर लिखेंगे हम 8 आदमी गुणा 3 दिन। ठीक है ना, अच्छा और कितनी लगाएंगे, तो 8 में 3 का गुणा कर देंगे, तो कितनी है, 8 थी 24। ठीक है ना, 24 में कितना, एक दिन में कितनी लगा रहे हैं, 8 आदमी 50 है, तो 50 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 50 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 चौ 50 चौका 200 की C4 हासिल कितना लगा, 20 है ना, तो 50 दूनी 100 और 20 120, कितनी ईंट लगाएंगे, 1200 ईंट लगाएंगे, 1200 ईंट लगाएंगे, 8 आदमी 3 दिन में 1200 ईंट लगाएंगे। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, फिर मिलते हैं आगे। ओके।